हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे आप मित्रों। आज मैं बात करता हूँ बच्चों की, आपके डेयरी में पलने वाले पशुओं के बच्चों की, गाय का बच्चा हो, भैंस का बच्चा हो, डेयरी में बच्चे हमारे भविष्य हैं। बच्चे ही हमें फायदा दे सकते हैं। अगर हम एक दो जानवर रखते हैं बहुत ही एक्साइटमेंट होता है, मेरी गाय बच्चा देगी, बच्चे हमारे अपने बच्चे उसके साथ खेलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है जब बच्चों को कुछ दिक्कत हो जाती है, अफरा, पतली टट्टी, पेट के अंदर कीड़ी। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। मैं अनिल मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने पशु पक्षी परिवार में। मित्रों, जब भी आपका जानवर भैंस हो या गाय हो, अगर आपका जानवर बच्चा देने वाला है और बच्चा देने के पहले आप अपने पशु डॉक्टर से परामर्श लेकर के या आप अपने अनुभव के आधार पर पेट के अंदर कीड़े की दवाई आप दे देते हैं, तो आने वाले बच्चों में पेट के अंदर की कीड़ों की संभावनाएं नहीं होगी। अब नवजात शिशु है, उसको हम अंग्रेजी दवाई दे नहीं सकते, आयुर्वेदिक दवाई मुझे पता नहीं है, तो भैया मैं दो चार दवाई बता देता हूँ, आप उसको नोट कर लो। आपके यहाँ जो छोटी छोटी बीमारियां बच्चों में लगती हैं, वो नहीं आएंगी। जब भी आप अपने यहाँ जानवर को देख रहे हैं कि हमारा जानवर महीना भर के आसपास जो है बच्चा देने वाला है, मेरी आपको सलाह है कि आप अपने जो है पशु चिकित्सक से पूछ करके पेट के अंदर कीड़े की दवाई जरूर देते हैं। अगर नहीं दे पाते हैं तो आप बच्चा ब्याह गया या बच्चा आपके साथ रह रहा है। नंबर एक आता है कद्दू, उसके बीज आप निकाल लीजिए या मार्केट में मिलते हैं आप ले लीजिए। सबसे पहले आप 100 ग्राम कद्दू के बीज ले लीजिए और बीजों को आप पिसवा डालिए, पाउडर बना दीजिए और उस पाउडर को, एक चम्मच पाउडर आप 7 दिन तक अपने बच्चों को देंगे तो बच्चों के पेट के अंदर से कीड़े अपने आप निकल जाएंगे। कद्दू के बीज राउंड वर्म और थ्रेड वर्म को खत्म करता है। दूसरा सुझाव यह है कि आप लहसुन ले लीजिए, कच्चा लहसुन जो हमारे घरों में सब्जियों के रूप में यूज होता है, प्रयोग होता है, उसको आप ले लीजिए और कच्चे लहसुन की आप कम से कम 5 से 6 कली ले लीजिए और उसको पीस करके आप बच्चे को पिला दीजिए। 7 दिन पिलाएंगे तो ये टेपवर्म, राउंडवर्म और थ्रेडवर्म के ऊपर इफेक्टिव है। दूसरी चीज, अगर कच्चा लहसुन बच्चा नहीं खा रहा है तो आप 5 से 6 कली लीजिए, पानी में उबालिए, ठंडा करिए और उसको बच्चे को दे दीजिए। 7 दिन तक देना है, मिनिमम 7 दिन। तीसरा आइटम आप नोट कर लीजिए, अजवाइन। अजवाइन खिलाने के पहले आप भैंस के बच्चे को, गाय के बच्चे को सबसे पहले आप 50 ग्राम का गुड़ खिलाएंगे। अगर वो बच्चा गुड़ नहीं खा पाता है तो उसे लिक्विड बना करके पिला दीजिए। पिलाने के आधा घंटे के बाद आधा चम्मच केवल अजवाइन आप खिला दीजिए। ये 7 दिन आप करिए, जितने भी कीड़े हैं सारे के सारे कीड़े बाहर निकल जाएंगे। मित्रों, चौथा चीज आप नोट कर लीजिए, बड़े काम की चीज है, आपके घर में लौंग होगी। अब मित्रों, आप लौंग ले लीजिए और लौंग को आप एक जादू समझिए, क्योंकि लौंग एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी पैरासाइटिक भी है। तो हम इसका काम ले रहे हैं पैरासाइट में, यानी पैरासाइट परजीवी में। तो आप लौंग को ले लीजिए और लौंग को आप पीस लीजिए। पीसी हुई लौंग को आप आधा चम्मच 1 कप पानी में डाल दीजिए, हिला दीजिए, चला दीजिए और उसको आधे घंटे रख लीजिए। आधे घंटे के बाद आप अपने कटड़ी, कटड़ा, पड़िया, पड़वा, बछिया, बछवा को आप पिला दीजिए। तो अगर आप 7 दिन तक पिलाते हैं तो ये कीड़ों की समस्या खत्म हो जाएगी। और जब पेट के अंदर कीड़ों की समस्या खत्म हो जाएगी, आपका कटड़ा, आपका कटड़ी, आपका बछिया, आपका बछवा, आपका पड़िया, आपका पड़वा स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, पेट में गैस्ट्रिक नहीं होगी, डायरिया नहीं होगी, डायरिया मीन्स पतली टट्टी नहीं होगी, पशु के बच्चे स्वस्थ रहेंगे, पेट में कीड़े नहीं होंगे, गैस्ट्रिक नहीं होगी और एकदम उनकी ग्रोइंग पावर बढ़ती जाएगी। जब वो 20 दिन या 1 महीने के हो जाए तभी उनको आप अंग्रेजी दवाई दीजिए। चैनल आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में बताइए। छोटी छोटी वीडियो में इसी तरीके से आपके सामने देता रहूंगा। चलता हूं मित्रों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, बाय बाय।